श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजी को प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है। इनका प्रश्न है हमारे भक्ति की करी वृद्धि हवे, हमारे भक्ति कैसे वृद्धि होगी। तो प्रभुपाद इसको उत्तर देते हैं, सेवा करते करते ही सेवा प्रवृत्ति जागवे, सेवा प्रवृत्ति बाढ़ ले, जेखाने गुरु कृष्ण रे सेवा करिवार इच्छा नाई, सेखाने अबार बाढ़ की कथा चे। यहाँ प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, भक्ति हमारी कैसे बढ़े। कहते सेवा करते करते ही सेवा प्रवृत्ति जागवे, जब हम किसकी सेवा करते हैं, कहते सेवा करते 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 सेवा प्रवृत्ति और भक्ति तभी जगेगा। अब देख लेना, हम जिनके लिए जिंदगी भर करेंगे, अब देखना स्वाभाविक रूप में उनको याद आएगा। अगर जिंदगी भर अगर हम संसार के लिए करेंगे तो हमारे संसार ही याद आएगा। अगर जिंदगी भर अगर गुरु वैष्णव की सेवा किया तो स्वाभाविक रूप में उनको ही हमारी याद आता है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोले कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको बचपन से ही भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। हैं, क्योंकि रील में जो भरा हुआ होगा ना वही चीज निकलेगा। अब भजन करने के लिए बैठो, अब देखना जिंदगी भर आप जो कुछ किए हुए होंगे वही वही चीज स्वाभाविक रूप में याद आएगा। अगर हम गुरु वैष्णव भगवान के लिए जिंदगी भर किया है, अब देखना स्वाभाविक रूप में उनकी याद आएगा। अगर दुनिया के लिए किया होगा तो वही याद आएगी। हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति हमें बचपन से भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। लास्ट में तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो कहते हैं बुढ़ापा में भक्ति करेंगे, प्रहलाद महाराज डायरेक्ट मना कर दिया वहां पर, बुढ़ापा में भक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां भोग करते 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 जो वृद्धि है उसमें भोग वृद्धि आ जाती है, हैं, भोग वृद्धि आ जाती है। इसलिए जितने भक्ति करने वाले देखो, ध्रुव महाराज को देखो, प्रहलाद महाराज 5 साल उम्र से भक्ति, मीरा बाई को देखो भी 5 साल से, हनुमान जी को देखो, हमारी गोस्वामियों को देखो, हमारी गुरुवर्ग को देखो, उन लोगों ने कब से भक्ति किया, एकदम बचपन से ही भगवान की भक्ति किया, तभी जा करके अंतिम समय में कहते हैं ना, जनामा जनामा मोनि जाता ना कराई अंतरामा कहिया बतनाई। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कहते जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जब जतन करते हैं, पहले अंतराम कही, तभी जा करके अंतिम समय में भगवान का नाम निकलेगा। पहले अंतराम कही आप बतना, अगर भगवान के समय अंतिम समय में भगवान का नाम निकलेगा तो फिर संसार में दोहराना नहीं पड़ता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जानी चाहिए। हैं, अब जिनके लिए करोगे उनको ही याद आएगा। भगवान गुरु वैष्णव के लिए करेंगे तो भगवान गुरु वैष्णव याद आएगा, संसार के लिए करेंगे तो संसार याद आएगा, वही याद आएगा, क्योंकि अंदर में हमने संस्कार वही चीज डाले हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सेवा करते करते सेवा वृत्ति जागवे, सेवा करते करते अंदर में सेवा वृत्ति जागृत होगा, सेवा प्रवृत्ति बाढ़वे, तभी क्या होगा, भगवान की सेवा प्रवृत्ति हमारे अंदर में जगेगा। जेखाने गुरु सेवा करवार इच्छा नाई, सेखाने आबार बाढ़ की कथा आछे, जहां पर गुरु वैष्णव सेवा की बात है ही नहीं, फिर वहां भक्ति बढ़ने का बात कहां से आएगी, हैं, भक्ति बढ़ने का बात आएगी कहां से। यदि चित्त वृत्ति गुरु चरण थाके,
ताहले आमरा जेखा नहीं था कि ना केनो आमादरे सेवा प्रवृत्ति विधि लाभ करवे। कहते अगर हमारी चित्त वृत्ति है, कहते गुरु की चरण में अगर रहता है, कहते हम कहीं भी रहे हैं, कहीं भी रहे, कहते जरूर सेवा वृत्ति हमारे हृदय में जगेगा ही, क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति गुरु की चरण में विद्यमान। इसलिए प्रभुपाद कहते प्रभुपाद का समय में क्या होता था है, प्रभुपाद का समय पर प्रभुपाद बोलते थे सवेरे और शाम को दो टाइम कथा सुनने के लिए जरूर आया था। सवेरे जो जाते हैं अभिष में, सवेरे आओ यहीं पर कथा सुनो, प्रसाद यहीं पर पाओ और अभिष जाओ, फिर अभिष समाप्त करके फिर मंदिर में आओ हैं, फिर यहाँ कथा सुनो, कथा सुन करके उसको बाद में फिर अपना घर में जाना। प्रभुपाद को पता था, प्रभुपाद कथा तो बड़ी विजयवती कथा। अभी जो कथा सुनेगा, जो कथा सुनेगा स्वाभाविक रूप में उसका भजन में प्रवृत्ति होगा ही। जगत में कोई नहीं प्रभुपाद जैसे व्यक्ति, इतने विजयवती कथा जिस प्रभुपाद का, वो कथा सुन करके भजन नहीं करेगा कभी, ऐसे हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या करते थे, शाम को जब जो कथा सुनने के लिए आते थे उनके लिए एक एक ये उनके लिए मालपुआ है, कथा के बाद एक एक मालपुआ मिलता था। और सवेरे जब आते थे कथा सुन करके जाते थे सवेरे ऑफिस, वहां पर दाल भात जैसे सब्जी होता था वो खा करके जाते थे। अभी जो खाएगा वो क्या करते थे, सारे महीना में जो पैसा कमाया करते थे, सारे महीना में वो सारे पैसा ला करके प्रभुपाद, सारे पैसा देते थे। लेकिन प्रभुपाद क्या करते थे, उससे थोड़ी सी पैसा निकाल करके ठाकुर को सेवा के लिए रख लेते थे, रख करके फिर पैसा गुणने फिर वो वापस दे देते थे, पैसा को फिर वापस दे देते थे। और जो प्रभुपाद से कथा सुनेगा प्रसाद पाएगा वो बिना दिए थोड़ी जाएगा, क्या करेगा, वो प्रभुपाद को दे करके जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिनकी चित्त वृत्ति गुरु जी की चरण में है उसकी जरूर कृष्ण सेवा में उसका प्रवृत्ति जरूर लाभ होएगा। कहते वो जहां रहने पर भी सेवा वृत्ति लाभ करवे, नतुवा इंद्रिय प्राण तपा संसार प्रवृत्ति बारिवे। कहते अगर हमारे प्रवृत्ति गुरु वैष्णव का चरण में नहीं रहे फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 अपना इंद्रिय तृप्ति अपना भोग सुख बार में फिर सोचना लग जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर भक्ति नहीं बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे संसार प्रवृत्ति जागेगा, संसार प्रति उसका चित्त प्रति फिर संसार की तरफ में दौड़ेगा है। इसलिए निरंतर साधु गुरु सेवा कर ले सब सुविधा हो जावे। कहते हम सारा जीवन क्या सोचते हैं, अपना कल्याण के हिसाब सुविधा हो, कितना सुविधावादी, सुविधावादी मतलब जो हर समय अपना सुविधा सुविधा समझते रहे कि नहीं, सुख के लिए हाँ, अपना सुख के लिए जो हर समय सोचता है, अपना सुख कैसे होगा, अपना सुख कैसे होगा। तब प्रभुपाद कहते हैं कि तभी अपना सुख होगा, जो व्यक्ति हर समय साधु गुरु सेवा करते हैं उनका ही जीवन में सुख सुविधा होगा है। जो गुरु वैष्णव की सेवा साधु गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते भैया सुख सुविधा कभी भी जीवन में हो ही नहीं सकता है। हम जीवन में सारे सुख सुविधा ढूंढते हैं लेकिन भगवान की सेवा को द्वारा ही ये सारे सुख सुविधा में प्राप्त हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जो तुमको जीवन में शांति दे सकता है, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं शांति सुविधा दे सकता। जैसे रावण जैसे व्यक्ति इसका सोने की लंका जैसा, पैसा ही कमी नहीं, सोने की लंका, सब सोना ही सोना, स्त्री एक स्त्री नहीं मंदोदरी थी, इतने सुंदरी मंदोदरी जिसको हनुमान भी देख करके कहते माँ लक्ष्मी तने, एक नहीं जहां से सुंदरी सुंदरी मिला पकड़ पकड़ ला कर बेटा 1,00,000 बेटा 1,25,00,000 नाती, बड़ा संसार। लेकिन जब शिव तांडव कर रहे हैं कहते हे भोले बाबा जीवन में शांति, जीवन में शांति नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो अपना सुख ढूंढता है, अपना कैसे सुख हो, अपना इंद्रिय तृप्ति हो, अपना इंद्रिय तृप्ति हो,
वो भगवान के सुख के लिए कोई चेष्टा नहीं, साधु गुरु वैष्णव के लिए कोई चेष्टा नहीं, इसलिए उसको संतोष नहीं। लेकिन जो व्यक्ति हर समय साधु गुरु भगवान की सेवा के लिए प्रचेष्टा करते हैं, भगवान संतुष्ट होने पर अपने आप अपना नियंत्रण, अपने आप शांति प्राप्त होगा, अपना आप सुख सारे प्राप्त होगा। जो गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए चेष्टा नहीं करते, अपना सुख सुविधा को ढूंढते हैं, कभी जीवन में सुख सुविधा मिल नहीं सकती। विभीषण देखवा भगवान का नाम, भगवान की हनुमान का तो राम के नाम और राम की सेवा, और क्या काम बता, राम का नाम और राम की सेवा जीवन में बात आनंद ही आनंद। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ता नाकर यदि हमारा संसार रे सेवा मायार सेवा बा निजर सुविधा निये व्यस्त था कि ताहले नाना विध अमंगल अशांति ऐसे आमादिक विपन्न करिवे। कहते जो व्यक्ति गुरु वैष्णव की सेवा को छोड़ करके कहते ता नाकर यदि हमारे संसार रे सेवा मायार सेवा, यदि हम कुछ चेष्टा करते हैं हम माया की सेवा और संसार की सेवा करेंगे, कहते निजर सुख सुविधा निये व्यस्तता की, सब समय अपना कैसे सुख रहेंगे, गुरु वैष्णव कैसे सुख, ठाकुर को सेवा ले कोई चेष्टा नहीं, अपना कैसे सुख रहेंगे अपना, ताहले नाना भी तो अमंगल अशांति आकर के हमें विपन्न करेगा, तरह तरह का दुख कष्ट आकर के तुम भोग करेगा। हम भी मंदिर में देखा कुछ ऐसे लोग है मंदिर में रहते थे मंदिर में, लेकिन रहने पर भी लेकिन कैसे ठाकुर की सेवा करे, गुरु वैष्णव की सेवा करे, उसके लिए कोई चिंता रहते मंदिर में हैं, क्या करते हैं अपना कुछ पैसा, अपना पैसा कुछ उठा लेते हैं, बाद उसको खाते पीते उसमें मस्त रहते। और जो गुरु वैष्णव सेवा दिन भर उनको देखा, एक महाराज भी थे विदेशी महाराज, कहाँ पर थे, रूप सनातन भट्ट में, कुछ पैसा उनको था, वो पैसा उठाते कोई मंदिर में मंगल आरती हरि कथा कीर्तन किसमें भी कुछ मतलब नहीं, खबर सारा दिन अपना कैसे अपना शरीर को सुख करें, हम देखते थे दिन भर केवल अपना शरीर बीमारी हो गया, आज शरीर में ये दुख है, आज ये पेट सही नहीं हो रहा है, आज दिमाग खराब है, आज सारा दिन हम देखता था केवल अपना शरीर को, केवल अपना, और दिन भर देखता था उसमें दुखी दुखी रहते थे। लेकिन हमारे जो सागर महाराज हमारे भक्त सागर महाराज उनका शरीर में तरह तरह का बीमारी थी, लेकिन महाराज जी सारा दिन सेवा में व्यस्त थे, सारा दिन मंदिर की सेवा गुरु वैष्णव की सेवा में दिन भर मस्त रहते थे, तो डूबे रहते थे। महाराज जी बोलते थे हमारे इतने बीमार रहते हुए भी हमारे कोई शरीर का कोई चिंता नहीं, क्यों, दिन भर दिमाग में क्या है, ठाकुर की सेवा होगा, ठाकुर को भोग के लिए कुछ है कि नहीं, ठाकुर को सेवा के लिए कुछ है कि नहीं, मंदिर दिन भर सेवा में लग रहे नाते आवेश कहाँ रहता है, आवेश रहता है भगवान की सेवा में, आवेश रहने पर आवेश अगर एक चीज में भक्ति में आवेश रह जाए ना, स्वाभाविक रूप में शरीर का आवेश अपनी आप हमारी खत्म हो जाएगी। अगर आवेश अगर प्रभु की भक्ति में नहीं हो, फिर तो दिन भर अपना शरीर का सुख, अपना मन की सुख, ये मैं देखा दिन भर वही करेगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, आवेश भगवान की भक्ति ठाकुर को सेवा में ही आवेश को लगा दो, बस हमारी आवेश अपने आप शरीर का। इसलिए कोई कहते ना माया को छोड़ो, अरे ये माया नहीं, कहीं छोड़ने का जरूरत नहीं, बोले जोड़ो, जोड़ने पर ये माया अपने आप छूट जाएगी। देखो कितना बजे आप लोग उठे हो, 4 बजे नहा धो करके तिलक लगाकर उसके बाद में कहाँ पर आए, मंगल आरती में आए, देखो क्या कितने बड़ी साधन है, मंगल आरती में आए, उसके बाद में बैठ करके फिर तुलसी परिक्रमा किया, बैठ करके हरि नाम किया, कीर्तन किया, अभी कथा हो रही, बताओ तो कितना समय बुझ गए, अभी कितना हो गया, 7:30 मतलब 8 बजे तक कथा हो, आप देखो 4 बजे से लेकर 4 घंटा बताओ, और कोई चिंता है, कितना बड़ा साधन। इसलिए जो सवेरे का जो साधन है ना, एकदम उसको पका रखनी चाहिए, जैसे घड़ी में अब एक बार चाबी दे दो ना, देखना 26 घंटा चलता है,
सवेरे का जो प्रोग्राम इसको पूरा पक्का रखनी चाहिए, इसमें कोई ढीले रहा कुछ भी ढीले रहा नहीं करनी चाहिए, पूरा पक्का रखो। आरती में आना, कीर्तन करना, बैठ करके थोड़ी समय हरिनाम करो, कीर्तन करो, हरि कथा करो, उसको दिन भर आप ये सवेरे का जो जो संस्कार जो इसका जो इम्प्रेशन पड़ा ना, आप देखना दिन भर बना। इसलिए सवेरे का प्रोग्राम एकदम पक्की रहनी चाहिए। और कोई शुद्ध ग्रंथ को जो हम पढ़ते हैं ना, ये शास्त्र मतलब होता है शासन करना। अगर कभी हम गलत रास्ता पर जाते हैं, अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो बोले नहीं ये गलत काम है, कोई बात को हम सुनते 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 क्या होता है धीरे 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 हमारे हृदय में नहीं इसको। अगर शास्त्र ग्रंथ अगर नहीं पढ़ेंगे, मंदिर में कथा नहीं, कीर्तन नहीं, ये अगर नहीं समझो, ये प्राण मंदिर का प्रभुपाद कहते हैं मंदिर में कृष्ण कथा रूपी अग्नि हर समय जलनी चाहिए, एक भी बुझनी नहीं चाहिए। जब तक कथा रूपी अग्नि जलते रहेगी तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तान आकर यदि हमारा संसार रे सेवा माया रे सेवा निज सुख सुविधा नहीं था कि सब समय अपना सुख कैसे अपना कैसे। ठाकुर को सेवा में कोई चिंता नहीं, गुरु वैष्णव की सेवा में कुछ चिंता नहीं, अपना सुख सुविधा व्यस्त रहते नाना विध अमंगल अशांति ऐसे आमादी को विपन्न करवे, फिर तरह तरह का विपत्ति आकर के हमारी बुद्धि को विपद ग्रस्त कर लेंगे। भक्त संग वो भक्त सेवा छड़ा भक्ति बाढ़े ना, भक्ति तभी बाढ़ेगी जब हम भक्ति भक्तों का संग करेंगे, भक्त सेवा करेंगे तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी। आमी गुरु कृष्ण के आश्रय कर ला किंतु तहादरे सेवा दिगे हमारा आदर दृष्टि ना है। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कहते हम गुरु और कृष्ण का हमने आश्रय लिया, कभी कभी बोलते हैं हमने गुरु जी के चरण में आश्रय लिया है, गुरु सेवा आश्रय लिया, लेकिन उस तरफ में आदो हमारी दृष्टि है नहीं, बोलते तो लेकिन दृष्टि उधर है नहीं। भक्ति पथ आश्रय कर यदि भक्ति ना करी नाना भावे से सेव्य और सेवा परिवार जन व्यस्त ना धले मंगल आशा को थाए। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर हम भक्ति को आश्रय करते हैं, आश्रय तो करते हैं भक्ति को, अगर भक्ति नहीं करो है नाना भावे सेव्य और सेवा परिवार प्रस्तुत नहीं है। हम जब सेवक है हमारी चेष्टा क्या रहेगा, हम कैसे भगवान को खुश कर सकते हैं, गुरु वैष्णव को कैसे खुश कर सकते हैं। तबे अगर नहीं करेंगे तो कदम मंगल आशा को था है। फिर कहां वो मंगल हो सकता है, कहीं मंगल हो ही नहीं सकता है। आगे श्री गुरुपाद पद्म आश्रय करता हवे निज लघु होता हवे यह नाम आश्रय। यहाँ पर कहते ना हमने आश्रय लिया, कहते आश्रय लेना कब होगा, जब हम पहले तो गुरु जी के चरण में हमें आश्रय लेनी चाहिए। इसलिए श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सत्मा बंधम ही सावधान बंद। इसलिए कहते गुरु का आश्रय करे हुए तो गुरु का आश्रय लेने से क्या होगा, फिर हम जो लघु है, लघु मतलब छोटा है, फिर जाकर कहीं हम ये चीज को उपलब्धि कर सकते हैं, हैं? नहीं तो अगर कहीं, इसलिए हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे जब बड़े व्यक्तियों का संग करेंगे ना, फिर हम जो छोटे तभी हमारी ये चीज उपलब्धि हो सकती है। कर जब तक तो बड़े व्यक्ति का संग नहीं करेंगे फिर तो अपने आप को बड़े माने, बड़ा है हमसे कोई बड़ा हो नहीं सकता। बड़े व्यक्ति का संग करने से अपना लघुता अपने आप पता चलता है। इसलिए लघु हवे यार नाम आश्रय, आश्रय मतलब क्या होता है, हम किसी बड़े व्यक्ति का आश्रय हमने ग्रहण किया है। आश्रित रे काज होचे वृत्त्य है सेवा करा, इसलिए आश्रित हम गुरु वैष्णव आश्रित, जब हम आश्रित है फिर हमारा कर्तव्य क्या है, वृत्त्य बन करके सेवक बन करके उनकी सेवा करना, इसको कहते हैं आश्रित। किंतु हमारा तो क्या पर्ची की, प्रभुपाद कह रहे हम क्या वो कर रहे हैं, हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्वस्व गुरुपाद पद में अर्पण करते हवे तबे तो पूर्ण वस्तु पावा जावे। यहाँ पर कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा, सब कुछ गुरु जी के चरण में समर्पण करना पड़ेगा तभी वो पूर्ण वस्तु का हम
प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्त नारायण गोस्वामी महाराज गुरु सेवा क्या एक लिखा ना तो बोल रहा था, शिष्य कितने तरह का है, तामसिक गुरु, तामसिक शिष्य, गुरु गुरु, तामसिक राजसिक। हाँ, इसलिए उसमें इसलिए शिष्य ब्रुव, तामसिक शिष्य, सात्विक शिष्य, राजसिक शिष्य, निर्गुण शिष्य, हाँ निर्गुण शिष्य। इसलिए गुरुदेव ने जो वहाँ पर जो उदाहरण देकर बताया ना, क्या उन्होंने बताया सचमुच से गुरुदेव ने जो बताया वहाँ पर है ना, इसलिए उन्होंने जो उदाहरण दे देकर बताए हैं, उन्होंने पहले तो एकलव्य का उदाहरण दिया ना, एकलव्य को उन्होंने उदाहरण दिया है, एकलव्य को उदाहरण देकर, यद्यपि शिष्य था लेकिन गुरु का आदेश को अवमानना करते हुए स्वयं सीखने के लिए गया। गुरु मना किया, हम तुमको विद्या शिक्षा नहीं दे सकते, बोले गुरु ये शिक्षा नहीं देगा तो हम क्या कम है, हम भी करके कुछ दिखाएंगे। इसलिए स्वयं प्रैक्टिस करते 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 ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे, ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जब पंचपांडव जा रहे थे जंगल में, कुत्ता भो भो किया तो ऐसे बाण मारा उसको, मुंह में बाण एकदम भर गया, एक खोरच तक भी नहीं आया, जिसको अर्जुन ने भी देख रहे दंग, बाबा जी क्या है, बोले जाकर देखा एकलव्य को, बोले किसके शिष्य हो, बोले श्री द्रोणाचार्य के। इतने में अर्जुन सोच रहे हैं द्रोणाचार्य तो मेरे को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ तुम शिष्य हो, लेकिन उन्होंने जो बाण मारे मेरे को भी बाण बता नहीं, तब मैं कहा श्रेष्ठ, तब उन्होंने गुरु जी को जाकर के बोले, फिर उन्होंने जाकर के एकलव्य का अंगूठा को ही काट करके ले लिया। साधारण लोग क्या सोचते हैं ये द्रोणाचार्य ने ठीक नहीं किया, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं उन्होंने ठीक किया, क्योंकि द्रोणाचार्य उनको क्यों शिक्षा नहीं दिया, कारण है कभी जो शूद्र व्यक्ति है ना, जो नीचा व्यक्ति और कोई उच्चा शिक्षा को प्राप्त करता है उसको पर वो सदव्यवहार नहीं करता है। वास्तव में यही हुआ, द्रोणाचार्य उंगलों को काट लिया लेकिन उन्होंने क्या किया, दुर्योधन का पक्ष लिया, लेकर युद्ध किया तो लास्ट में मारा गया, दुष्ट व्यक्ति का संग लिया। इसलिए उनको पता था द्रोणाचार्य को ये दुष्ट व्यक्ति का पक्ष लेकर के है, जो गुरु जी की अनुगत्य में जो भजन साधन करते हैं, अर्जुन को ने गुरु जी को जो सेवा किया, गुरु जी की चरण की भक्ति को प्राप्त किया, शिक्षा किया, इसलिए गुरु जी की कृपा से जो वस्तु प्राप्त होता है वही वस्तु ही स्थिर रूप में लाभ होता है। इसलिए उन जो शिष्य का उन्होंने जो कटाकड़ी दिखाया बहुत अच्छा दिखाया गुरुदेव ने, इसलिए तामसी शिष्य गुरु। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं सर्वस्व गुरुपाद पद्म अर्पण करते हवे तबे तो पूर्ण वस्तु पा जावे, गुरु के सर्वस्व देवात्म जुड़े कथा हमारा किछु दीते चाहिए ना। नियम है गुरु जी को सब कुछ देनी चाहिए लेकिन हम तो कुछ भी देना नहीं चाहते, गुरु जी को कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। कहते है कि शिष्य था ना, इतने में गुरुदेव आए, गुरुदेव आकर के बोले शिष्य क्या है ये सब किसका, बोले गुरुदेव सब आपका है, सब आपका ही, बोले घर मकान दुकान सब, बोले गुरुदेव सबका आपका ही है, आपका ही दिया हुआ, बोले आपका ही दिया हुआ तो ट्रक मंगाओ सब कुछ लोडिंग करते हैं, सब कुछ ले चलते हैं, जब सबका सब कुछ गुरुदेव का पर सब ले चलते हैं, जब गुरुदेव ले जा रहे थे गुरुदेव तो परीक्षा कर रहे थे, इतने बोले गुरुदेव अगर आप सब कुछ ले जाओगे शिष्य का तो कुछ अधिकार, बोले किसमें अधिकार, बोले चरण में, एक उन्होंने लाए है जो तलवार, बोले दोनों चरणों को काट करके रख लेता हूँ, शिष्य का तो सब चला गया, अब कम से कम गुरु जी की चरण तो रहेगा, आश्रम लेकर के पूजा तो करेंगे, बोले भैया सब सारी चीज रख लो जरूरत नहीं लेने का। इसलिए गुरुदेव परीक्षा कर रहे थे सचमुच से जो बोलते हैं गुरु जी का सब कुछ है, गुरु जी के क्या सचमुच से सब कुछ गुरु जी का है। हाँ कहते ये चीज कहाँ पर दिखाया, कहते श्री रामानुज आचार्य ने, कहते श्री धनुर्धर है, जो धनुर्धर वहां पर दिखाया, कैसे धनुर्धर गृहस्थ है तो गृहस्थ थे लेकिन गृहस्थ होने पर भी गुरु जी को कैसे एकांत भक्त थे, है कैसे एकांत भक्त थे गुरु जी की। गुरुदेव ने रामानुज आचार्य ने दिखाया, जैसे जो सन्यास लोग थे क्या करते थे, जब रामानुज आचार्य के शरीर में तेल लगाए करते थे तेल, तो गुरुदेव क्या करते, जो सन्यासी शिष्य होते थे उनको कंधे पर हाथ रख करके वो कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन जब स्नान कर लेते थे वो जो धनुर्धर था
उसको कंधे पर हाथ रखकर ऊपर उठते थे। अभी सन्यासी को मन में तो अभिमान हो गया, बोले गुरुदेव जब तेल लगाते अपवित्र होते हैं, अपवित्र होकर के हमारी कंधे पर, हम सन्यासी को कंधे पर हाथ लगा करके जाते हैं स्नान करने के लिए। और जो स्नान करते ये गृहस्थ, आई गृहस्थ का कंधे पर हाथ रखकर गुरुदेव क्या करते हैं ऊपर आते हैं। अभी उनका अंदर काना फूस होने लग गया, गुरु जी का कान में ये बात आया। एक दिन गुरुदेव ने परीक्षा करवाई, देखो तुम तो बोलते हो हम त्यागी, लेकिन उनको तो बोलते हो गृहस्थ, लेकिन भाव देखो किसकी अंदर में गुरु जी का प्रति कितने सेवा की भावना। गुरुदेव जान बुझ करके जब कपड़े को उतार करके सन्यासी लोग स्नान करने गए थे, उन्होंने कपड़े को बोले थोड़ा अदला बदला कर दो, तो इसका कपड़ा वहां, वहां कपड़ा वहां, वहां का लंगोट वहां थोड़ी कर दिया। जब सन्यासी लोग ऊपर स्नान करके उठे थे, इसका कपड़ा जहां पर रखा था वहां नहीं, उस जहां पर कपड़ा रखा था वहां नहीं, फिर तो दो आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। बोले तुमने कैसे हमारे कपड़ा को यहां से ले लिया, बोले तुमने कैसे हमारी कपड़ा यहाँ कैसे आ गया, लड़ाई। फिर गुरुदेव ने जाकर के उनको शांत करवाया, है शांत करवाया। फिर उन्हें धनुर्धर्म सिखाया, है बोले देखो एक काम करियो, मैं जब कथा करता हूँ, जब कथा करता हूँ तुम लोग जाकर के धनुर्धर का घर से जितने सारे संपत्ति है, हैं सब के सब लूटपाट कर ले आना। फिर मेरे को बोलना, जब लूटपाट कर ले आओगे मेरे को बोलना हमने सब कुछ ले आए, फिर कथा छोड़ूंगा धनुर्धर घर में जाएगा। सचमुच से घर में पत्नी थी, हैं पति जैसे पत्नी भी ऐसे, हैं ये धनुर्धर पहले बड़ा गुंडा था जिसका नाम सुन कर कांप उठते थे, सबके सब कांप उठते थे जिनका नाम सुन करके, इतने भयंकर उसने गुंडा था। जब चलता था पत्नी को सर पर छत्र धारण करते हुए, पत्नी को मुंह को देखते थे उल्टा उल्टा चलता था, पत्नी को मुंह देखते देखते हैं। जब रंगनाथ जी को दर्शन करने के लिए गए, उसका पत्नी रंगनाथ जी को प्रणाम कर रहा है, लेकिन धनुर्धर क्या कर रहा है, अपना पत्नी को मुंह देख रहा है। रामानुज आचार्य बोले क्या कर रहे हो, ठाकुर जी को देखो, बोले ठाकुर में क्या पत्थर में क्या रखा हुआ है, जो बढ़िया चीज होता है उसको तो देखते हैं। मतलब मेरे पत्नी का मुंह देखो कितना सुंदर है, कहते मेरे पत्नी का मुंह देखोगे ना ठाकुर को भी देखना भूल जाओगे। बोले अगर इससे भी सुंदर दिखा दो, बोले पत्नी का मुंह देखना छोड़ दूंगा पर उसको देखूंगा। फिर उन्होंने ठाकुर को थोड़ी सी प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप थोड़ा रूप असली रूप दर्शन कराओ। उसका सर पर हाथ रखते ही दिव्य शक्ति प्रदान किया, ठाकुर को क्या शोभा देखा, कोटि कंदर्प गमनीय विशेष शोभा। जब उसने देखा ठाकुर जी को, बस कोई बड़ी बेहोश हो गया, उसको बाद में पत्नी को मुंह देखना भूल गया और कभी भी पत्नी का मुंह नहीं देखता था, हैं? और गुरु जी का सेवा उसने इतना किया, गुरु जी को सेवा उसने इतना किया, क्या बताएं? देखो गुरु जी का सेवा उसने कैसे, गुरु जी को उसने सेवा किया है, हैं? उसका पत्नी सो रही थी, पहले तो माताएं बहुत सारी सोने चांदी पहना करती थी, पत्नी सो रही थी। जब सो रही थी इतने में देखा गुरुदेव, बोला जाओ उसको घर से लूट पाट कर ले आओ। जब उसने देखा सो रही थी, गुरु भाई लोग घर में आ रहे और आकर के सारे सामान को उठा उठा कर ले जा रहे, इतने खुश हो रही थी, पा आज ये जीवन सार धन्य हो गया, गुरु जी की सेवा के लिए सारे सामान को ले जा रहे, खुश हो गए। इतने में ये सो रही थी, इसका शरीर का जो अलंकार था ना सोने की, एक एक खोलने लग गए। बोले भाई बहुत अच्छी बात है, गुरु जी की सेवा के लिए हैं ये सोने चांदी ले जा रही, लेकिन एक तरफ का तो खोल दिया, अब दूसरे तरफ में बाकी रह गया, सोचा अगर मैं पलट जाऊं ना, पर इधर का अलंकार भी गुरु जी की सेवा के लिए चली जाएगी। और जो पलट गई उन लोगों ने सोचा तो सोच रही थी जग गया, सबके सब भाग गए वहां से, जाकर के गुरुदेव की इशारा किया, गुरुदेव उसका घर से सारे संपत्ति को हमने लूट करके ले आए। फिर गुरुदेव ने कथा छोड़ दी, तो छोड़ दिए, धनुर्धर घर में आया, सन्यासी को भेजा, उसको पीछे पीछे जाओ देखना ये पति पत्नी क्या बात करते हैं, बात क्या करते हैं। इतने में जो पतिदेव आए ना, पत्नी कह रहे, बोले तुमको पता है, बोले क्या बात, बोले घर में आज गुरु भाई लोग आए थे, बोले फिर, बोले घर का सारे सामान उठा करके ले गए गुरु जी की सेवा के लिए। बोले बहुत अच्छी बात है, बोले एक गलती मेरे से हो गई। बोले क्या गलती हो गई, बोले शरीर का एक भाग का अलंकार तो गुरु जी की सेवा से उतार करके ले गए थे,
मैंने सोचा शरीर का दूसरा भाग अलग कर भी गुरु जी की सेवा में लग जाए। मैंने जब करवट लिया ना, सोचा शायद मैं जग गई, मतलब जगी हुई थी, फिर वो भाग गई। फिर उन्होंने पत्नी ने गाली गलौज की, बोले तुमको पास फैलाने का जरूरत क्या था, सारी चीज तो गुरु जी के सेवा में लगा। देखो इतना चीज गुरु जी के सेवा में कभी रह गए ना, लगा नहीं ना, इसका जीवन बेकार हो गया। जो पत्नी को गाली दे रही थी, तो उन्होंने आपस में जो हो रही थी कथा सुने, तो गुरु जी को जाकर बोले गुरुदेव हमने सुना ऐसे ऐसे बात। बोले तुम लोग उसको गृहस्थ कहते हो, तुम अपने आप को त्यागी कहते हो, उसको गृहस्थ कहते हो। अभी देखो किसकी भावना श्रेष्ठ, देखो भावना किसकी श्रेष्ठ, देखो सारे घर का सामान उठा कर ले आए, शरीर का एक अंग का सोना गुरु जी को सेवा में नहीं लगा तो कहते इसका जीवन बेकार हो गया। अब बताओ किसका चित्त वृत्ति श्रेष्ठ है, किसका चित्त वृत्ति श्रेष्ठ है। चेक कर लो, पानी गर्म तो ज्यादा चेक कर लेना। हाँ, इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं गुरु के सर्वस्व देवा तो दूरी कथा हमारा किछु ही दीते चाहिए। नियम है गुरु जी का सब कुछ दे देनी चाहिए, लेकिन हम कुछ भी देना नहीं चाहते। हमारे गुरु भाई थे सुदर्शन दादा, देखा है ना सुदर्शन दादा, वो भी ऐसे थे पूरा। उनका तो तीन तीन पत्नियां थी, दो पत्नी तो शादी करके थे और एक ऐसे पत्नी ऐसे थे। हाँ, एक साथ में 3-4 किलो मांस खा लेते थे और मद का बोतल जब जहां पर शराब बिकता था, जब ये उसका अंदर में प्रवेश करते थे और जितने शराब भी उसको छोड़ कर भागता थे, मतलब इतने भयंकर थे, और शराब पी करके वहां जो चेयर टेबल को लेकर घुमाया करते थे। और ये किसी एक रिक्शा वाला को ठीक कर रखा था, उनको शराब बहुत ज्यादा पीते थे, एकदम बेहोश हो जाते थे और रिक्शा में बैठा करके उनको घर में छोड़कर चले जाता था। लेकिन उसको जो पत्नी है ना, घर में घुसने नहीं देते थे, दरवाजा बंद कर रखते थे, रात भर वहीं पर पड़े रहते घर के बाहर। सदर जब नशा उतरता था फिर घर में उनको अंदर में लेती थी, ऐसे वो शराब थे। लेकिन एक बार नवद्वीप मठ में, हमारी गुरु जी की मठ में गए, वहां पर कीर्तन हो रहा था, सब नाच रहे थे, शराब ये पी कर रखे थे ना, वो भी नाचना झूमना शुरू कर दिया है। उसी समय में उन्होंने हमारे जो पुजारी थे उनको 5 रुपया दिया। उस समय 5 रुपया का बहुत कीमत था। जब 5 रुपया दिया, उन्होंने ठाकुर का एक सुंदर रजनीगंधा का फूल का माला था गला में पहना दिया। देखो ठाकुर का प्रसाद में कितना शक्ति है। जब पहना दिया ना, वहां पर जाकर के बोले हमारे जो महाराज वहां पर थे, बोले मैं दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ, मेरे को दीक्षा मंत्र दो। लेकिन उसको मुंह से शराब का बदबू आ रहा था, कह रहा है दीक्षा मंत्र लेगा, बोले हमारी गुरु जी तो यहाँ पर है नहीं, गुरु जी रहते कलकत्ता में, हाँ 35 हजारा रोड में रहते हैं, वो तो वहीं दीक्षा देते हैं। बोले ठीक है, मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ, गुरु जी के पास में आए वो भी पीपा करके आए, आकर के बोले गुरुदेव मेरे को दीक्षा मंत्र दो। बोले देखो दीक्षा मंत्र लेने का कुछ भी नियम है। बोले क्या नियम है? बोले जो शराब पी करके आया ना, शराब छोड़ना पड़ेगा। बोले मांस खाते हो? बोले खाता हूँ। बोले इसको भी छोड़ना पड़ेगा? तो सब छोड़ना पड़ेगा। बोले हाँ, तभी तुम दीक्षा मंत्र ले सकते हो। बोले गुरुदेव जब मेरा शराब पीने का मांस खाने का समय आता है, जब तक 3-4 किलो मांस खा नहीं, जब तक बोतल नहीं करा दू, मेरा पेट में इतना दर्द करता है, मेरे पेट का दर्द सही नहीं होता है, उसको लेने का बाद पेट का दर्द सही होता है, फिर मैं क्या करूंगा? गुरुदेव बोले कोई चिंता मत करो, तुम सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा। उनने गुरु जी की बोली सुनकर, मैंने देखा सदगुरु जो शुद्ध वैष्णव का आदेश में कितने शक्ति है, बस उन्होंने उसी समय में छोड़ दिया, तो जीवन भर के लिए छोड़ दिया, पेट में दर्द भर्द सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसने आकर के बोले देखो अगर तुम दिखा लोगे, अकेले दिखा तुमको नहीं दूंगा, तुमको पत्नी को भी लेना पड़ेगा, क्यों रसोई तो वही बनाएगी। हमारे तो उधर बहुत स्ट्रिक नियम है ना,
जो मांस मछली बनाता है उसका हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बोले तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों को दीक्षा मंत्र लेना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं पत्नी को पूछूंगा। उसने आकर पत्नी से पूछा, पत्नी तो खुश हो गई। पिता रहता था मांस खाता है, अगर छोड़ देगा तो अच्छी बात है। बोले ठीक है मैं भी दीक्षा मंत्र लूंगी। फिर दोनों ने आकर गुरु जी से दीक्षा मंत्र उन्होंने दोनों ने लिया। इतना ये दूसरे धनुर्धर जैसे गुरु जी के लिए उन्होंने कार खरीद लिया। अब गुरु जी को जो प्रचार के लिए ये कार, उस समय कार में साधारण व्यक्ति नहीं बैठ सकते थे, कार यही चला कर गुरु जी को सब जगह में ले जाया करते थे। और रोज है रोज उसका तीन दुकान था। एक दुकान में तो जैसे वेजिटेबल चप है, सुंदर पकौड़ा है, और एक कपड़ा का दुकान है, बहुत बढ़िया बढ़िया। वो रोज रोज भर भर करके वेजिटेबल चप पकौड़ा और सुंदर सुंदर सब बढ़िया बढ़िया रोज लेकर के आते थे। ब्रह्मचारी लोग खुश हो जाते थे। हम रहते थे पुरी में, जब सुदर्शन दादा आए ना सुनते थे इतना खुश हो जाते थे ब्रह्मचारी, क्योंकि वो बढ़िया रोसी बनाना जानते थे। वो आकर के अपना हाथों में बना बना करके ठाकुर जी को भोग और ब्रह्मचारी को खिलाया करते, इसलिए उनका नाम सुनते ही और वहीं से सारे सामान लेकर के आएंगे। इतना गुरु जी की सेवा किया। उनका जो बेटी जो कल्पना दीदी, उनका बेटी कल्पना दीदी है, इसलिए इतना सेवा किया गुरु वैष्णव जो सोच नहीं सकते। हम उसको दूसरे धनुर्धर गए थे, दूसरे धनुर्धर। इतने गुरु जी को सुने सेवा किया, प्राण देकर अपना घर को मंदिर को कोई अलग नहीं मानते थे। सोचते थे हमारी घर मंदिर ही, ब्रह्मचारी गुरु वैष्णव ही हमारे जीवन है। और बड़ी आरोसी बनाते थे। जब हमें सब छोड़ करके आ गया गुरुदेव जाने के बाद आ गया मथुरा में, वहां पर आए, जब आए थे और हमारे गुरु जी का तिथि हुआ ना, उन्होंने आलूदम है और उनने आलूदम पकड़ी और उन वहाँ पर जो राधा बल्लभी बनाया है, राधा बल्लभी वहाँ पर हमारे मंदिर में बहुत बढ़िया बनता है। उसके अंदर में पूर दे करके जो पूरी जैसे बनती है ना, बहुत सुंदर। मथुरा में आकर हम गुरु जी का तिथि में बनाया, सब लोग खाकर बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज भी बड़े खुश हुए खा करके। और हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज बहुत प्रेम उनको करते थे, क्योंकि हमारे गुरु भाई थे ना, बड़े प्रेम करते थे। वो आते थे बीच बीच में मथुरा में आते थे। इसलिए यहाँ कहते हैं, कहते गुरुदेव कहते अंतर जामी के फांकी दवा चले ना। अगर हम बोलेंगे सब कुछ गुरु जी का, सब कुछ गुरु जी का, लेकिन बोलेंगे तो सब कुछ गुरु जी का, लेकिन बोले भैया सारी चाबी काठी हमारे पास में गुरु जी है, सब आपका लेकिन चाबी काठी हमारी नहीं। सब अगर गुरु जी का सचमुच, सब कुछ गुरु जी को समर्पण कर देनी चाहिए सब कुछ। इसलिए गुरुपाद पद्म दर्शन नाहले कृष्ण सेवा प्रवृत्ति की करी बाड़ी वे। जब तो गुरुपाद पद्म का दर्शन नहीं हो तब गुरु जी की कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति जगेगा कैसे? क्योंकि गुरु जी कौन होते हैं, कितना सदा रत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारादि आर मंदिर मार्जने करे न निजुक्त अनुगत जने बंदी गुरु से ही। गुरुदेव क्या करते हैं, स्वयं ठाकुर को सेवा भक्ति करते हैं और उनका अनुगत जनों को सेवा में लगाते हैं। इसलिए हाँ कहते गुरुपाद पद्म दर्शन पर यदि आवार जोशित दर्शन है संसार करार प्रवृत्ति बाढ़े तबे पतन है गल ऊर्ध गति होलना नीचे ही थकला। कहते अगर गुरुपाद पद्म दर्शन करने का बाद फिर अगर संसार की माया दर्शन होता है, जोशी दर्शन होता है, फिर संसार करार प्रवृत्ति बाढ़ी हुई तभी पतन हो गला। अगर गुरुपाद पद्म दर्शन का बाद अगर हमारी हृदय फिर संसार की भावना जग रहा है, फिर जोशी स्त्री फिर दर्शन करने का तुम्हारी अंदर में ये भावना जग रहा है, फिर अगर संसार की भावना जगा तो फिर क्या समझनी चाहिए, तभी पतन हो गलो ऊर्ध गति बोलो ना। क्या हुआ, तुम्हारी पतन हो गया है, तुम्हारी पतन हो गया, तुम्हारी ऊर्ध्वगति नहीं हुआ, इसलिए नीचे ही थकलाम। तो क्या हुआ, हम नीचे ही रह गए, हम नीचे ही रह गए, ऊपर और उठ नहीं पाए। इसलिए जद्दी के हो वास्तविक गुरुपाद पद्म आश्रय करें आर जदि पृथ्वी सहित गुरु सेवा करें ताहले निश्चय ही कृष्ण सेवा लाभ है वे। यहाँ पर कहते हैं
अगर वास्तविक रूप में कोई गुरु जी का सेवा करता है, प्रीति को साथ में गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, फिर क्या होगा? बोले निश्चित रूप में कृष्ण सेवा लाभ हवे, कृष्ण विषय दिव्य गान लाभ हवे, सेवा प्रवृत्ति वर्धित तो है, सेवानंदे मग्न हवे। वास्तव रूप में अगर कोई निष्कपट रूप में गुरु सेवा करता है, फिर उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर क्या होगा? भगवान के चरण में उसको सेवा की प्रवृत्ति भावना जगेगी, फिर सेवानंद में ही फिर हम डूबे रहेंगे। सेवानंद में नहीं तो क्या, फिर मायानंद में डूब जाएंगे, फिर हम संसार का मायानंद में डूब जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं संसार करेंगे ना, हम के सोने का संसार बनाएंगे, बढ़िया संसार बनाएंगे। हमारे पिता माता जो बना नहीं पाए वो बनाएंगे। हम जिंदगी भर देखे पिता माता दुख कष्ट भोग किए, दुख कष्ट, लेकिन हम कब क्या सोचते हैं, अरे थोड़ी हम ऐसे दुख कष्ट भोग करें, हम तो इतना सुंदर संसार बनाएंगे। क्या एक ब्रह्मचारी अभी वो शादी किया, हम उसका नाम नहीं लेंगे, वो क्या सोचता था, क्या सोचता, मैं जब संसार करूंगा ना, मंदिर में रहता था, जब मैं संसार करूंगा ना, क्या सुंदर संसार बनाऊंगा, पत्नी को पूरा बसीभूत करके रखूंगा, है पूरा बसीभूत करके रखूंगा। और ब्रह्मचारी कोई था, लेकिन ऐसे फंसा, ऐसे फंसा, तुम सोच नहीं सकते, जो जिस बुरे तरह जो फंसे हुए हैं, शरीर एकदम हड्डी हड्डी रह गई, भोग करने का वृत्ति सब खत्म। जैसे कोई व्यक्ति हो ना, गला में अगर कांटा लग गया, उसको निकाल नहीं पा रहे और अंदर में भी नहीं डाल रहे, हम उसको नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसे के ब्रह्मचारी भोग कर गया, क्या सारे शरीर हड्डी हड्डी, पूरा हड्डी का ढांचा ही रह गया, कुछ नहीं रह गया शरीर, हड्डी का ढांचा रह गया शरीर, भोग करने पर भी चाहने पर भी भोग की वृत्ति है ही नहीं उसके अंदर में। और जिन वैष्णव का अनुगत्य में है, जिस वैष्णव का अनुगत्य में रहे, उनको भी उल्टा सीधा उनके ऊपर में भी आरोप किया, उनके साथ में दुर्भाव व्यवहार किया, जिससे उन्होंने सब कुछ सीखे, हाँ उनको ही बदनामी की। इतने भैया हम जो देखते हैं ना, हम सोने की संसार बना देंगे, हैं हमारा बाप माँ भी जो बना नहीं पाए, भैया संसार संसार है, संसार दावा नड़ली ढलो को, गुरु ऐसे नहीं बोले, संसार ये अग्नि कहते दावा नल, ये दावा नल संसार है, हमको दूर से दिखता है क्या सुंदर, क्या प्यारी है, फिर घुसो फिर तो पता चलता क्या संसार में है, है? हमारे जो शिवा है ना, उसको पूछ लो, ब्रह्मचारी को बोलता हाथ जोड़ता हूं संसार में फंसना नहीं, कहते जो दुर्दशा में भोग कर रहा हूं उसको पूछ लो, हैं बच्चों को पढ़ाना, इसको ये करना वो करना, आप उसको एक व्यक्ति का सुन लो, फिर पता चल जाएगा कि संसार क्या चीज है। हमको दिखता है कैसे ऊपर से, और अंदर में जाओ जब प्रवेश करता है ना, तो एक एक चीज को पता चलता है संसार में क्या संसार है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दिव्य प्रवृत्ति जे काज कर ले विषय बार बार प्रवृत्ति कमे संसार वासना कमे ए रूप कार्य हवे। जो काम करने से है, जो काज कर ले विषय बार बार प्रवृत्ति कमे, तथा हमें ऐसे काम करनी चाहिए जो काम करने से जो विषय जो प्रवृत्ति धीरे 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 जैसे वो धीरे 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 खत्म हो, संसार वासना कमे, संसार का वासना घटे, ए रूप कार्य करते है वे, तखन आर कर्ताभिमान बा भोक्ताभिमान थाकबे ना। उस समय में अपने आप में कर्ता और उपभोक्ता के अभिमान नहीं रहेगा। तखन कृष्ण भोग्य जगत के बा जोशी के परम पूज्या गुरु ज्ञान करते पराजाए। तखन क्या होगा, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, हैं? और जो स्त्री जो दर्शन है उसी समय भी उसका अंदर में भी दिव्य ज्ञान के प्राप्त होगा। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसने बोला है ना, बोले गुरुदेव हमने एक कृष्ण दासी लाई, एक कृष्ण दासी लाई, बोले खबरदार वो कृष्ण दासी उनको प्रति भोग नहीं करना, रोज उनका चरण धोकर चरणामृत पीना, चरण धोकर उसकी चरणामृत पीना, तुम भले ही कृष्ण दासी लाई
वो कृष्ण की दासी तुम्हारी दासी तो है नहीं, इसलिए क्या करो उनका रोज पूजा करना, चरण धोकर उनका चरणामृत करना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, हैं जोशित के परम पूज्या गुरु ज्ञान करते पराजय, तो स्त्री को भी क्या हो गई, भी परम पूज्या गुरु ज्ञान प्रकट होता है। हमी भोक्ता हमी करता ये जड़ अभिमान कमे गले ही भगवान ने सेवा प्रवृत्ति उदय है। जब ये भावना होगा मैं भोक्ता मैं करता है, हम भोग करने वाले हम हैं, करता हम हैं, हैं कभी ये जड़ अभिमान कमे गले, जब ये अभिमान हमारी घट जाती है क्या होगा, भगवान सेवा प्रवृत्ति हृदय में, तभी हृदय में भगवत सेवा करने का प्रवृत्ति जगेगा। संसार वासना प्रबल थकले संसार रे जन्य बसी व्यस्त होए सेवा प्रवृत्ति जागवे ना। जब हमारी हृदय में बहुत ज्यादा संसार की प्रवृत्ति हमारे हृदय में जगा रहेगा, फिर क्या होगा, समय विरुद्ध में भगवत सेवा की भावना तुम्हारी घट जाएगी, सेवा की भावना नहीं बढ़ेगी। संसार वासना प्रबल थाकले संसार रे जन्य बेसी व्यस्त होले, ज्यादा अगर संसार के लिए व्यस्त होगा तो क्या होगा, सेवा प्रति नहीं जगेगा। भगवत सेवा जन्य उत्कंठा होले मानुष निज के गुरु रो पुत्र ज्ञान करे बलिया, यही सकल पिता पुत्रादीर संगे आर संबंध थाके ना, तखन ही प्रकृत मंगल है मठवास प्रकृत आश्रय है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भगवत सेवा जन उत्कंठा हले, जब भगवत सेवा के लिए हमारे हृदय में उत्कंठा जगता है, मानुष निजक इंसान अपने आप को क्या करता है, क्या सोचता है, हम कौन है, अरे गुरु पुत्र है, हम कौन है, गुरु है, गुरु जी का हम बेटा है। तो जब ये भावना होता है ये सकल पिता पुत्र आदि संगे आर संबंध था ना, तभी क्या होता है, कहते ना जो गुरुदेव ही है हमारी क्या है, गुरुदेव ही कहते भगवान कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें सर्वम, जैसे भगवान को हम कहते यही हमारे पिता माता सब कुछ है, तब उसी समय में उसी समय में गुरुदेव कहते थे, पहले तो हम कहते भगवान को हाँ भगवान की सेवा भगवान करो, गुरुदेव पहले कहते थे पहले ये संबंध गुरु जी को साथ में संबंध तो रखो, उसके बाद में फिर यही चीज क्या होगी, पर भगवान को साथ में तुम्हारी जुड़ जाएगी, पहले हमारे जो संबंध होगा इसको साथ में संबंध होगा, पहले गुरु जी को साथ में संबंध होगा गुरुदेव का, तो फिर वही चीज पर भगवान प्रति फिर हम उसको मोड़ देते हैं, है? इसलिए अगर गुरु जी को साथ में पहले संबंध नहीं होगा तो कोई चीज का डायरेक्ट हम भगवान को साथ में संबंध जोड़ेंगे बोलेंगे कभी हो नहीं सकता, गुरु जी को चरण पहले होगा वही चीज फिर हम ट्रांसफर भगवान के चरण में कर सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं गुरु जी को किस रूप में माननी चाहिए, गुरुदेव ही हमारे पिता माता भाई बंधु गुरुदेव ही सब कुछ, पर यही चीज को क्या करना पड़ेगा फिर हम भगवान के चरण में दे सकते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे भक्ति कैसे वृद्धि होगा, तो प्रभुपाद ने बहुत सारी बात बताए, भक्ति तभी वृद्धि होगा जब जितना जो जितने गुरु वैष्णव और ठाकुर के सेवा जितने अनुरक्त होगा उसी परिमाण में ही हमारे भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति बढ़ने वाले नहीं। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।